मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सचित शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नन एकेडमी पे। उससे सबसे पहले कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद और आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। एक बार जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार जल्दी से इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दो, क्योंकि आज की क्लास में हम काफी इंपॉर्टेंट सेशन को करने वाले हैं, जो कि ऐसा सेशन आप सभी लोगों को, जो कि इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो एक बार ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट वॉइस आ रही है, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, कम ऑन कम ऑन, जल्दी से फास्ट, जल्दी से फास्ट। देखिए मैंने शेयर कर दिया है, बाकी अब आप लोगों की बारी है, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए फास्ट। सो अगर हम लोग बात करें आगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो जैसा कि अनअकैडमी पता है, अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर अनअकैडमी की बात करें, अनअकैडमी पे आपको प्लस और आइकॉनिक दो वेरिएंट में सब्सक्रिप्शन मिलेंगे। अगर प्लस की बात करें, अच्छा इस दोनों में इन सभी बेनिफिट क्या है कि आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल एक्सपर्ट की गाइडेंस, टेस्ट का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको अगर 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो अराउंड आपको 50,000 का कोर्स पड़ेगा। अगर इस कोड को अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब 50,000 का कोर्स पड़ेगा। मगर ये जो कोर्स है, इस कोर्स को बाई करने के लिए, अगर ये जो कोड है, जिस कोड का मैं नाम ले रहा हूँ SUCHIET10, अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करते हैं, तो यू जस्ट गेट अ 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। और इस 10% के इंस्टेंट डिस्काउंट से आपको ये जो कोर्स होगा, वो अराउंड 5,000 के डिस्काउंट के साथ, मतलब आपको 45,000 का पड़ेगा। इस तरीके से जो 24 मंथ का जो कोर्स है, वो हमारे पास 20,000 का पड़ेगा, और 20,000 में से 10% का डिस्काउंट, मतलब आपका 2,000 का डिस्काउंट हो गया, तो कितने का पड़ेगा बताओ? 18,000 का कोर्स पड़ेगा। बोलो मेरे साथ हाँ है ना? इस तरीके से हमारे पास प्लस आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट्स हैं, ये देख सकते हैं। अगर हम लोग आगे बात करें, ये हमारे पास कुछ बैचेस आ गए, कंप्लीट बैचेस, आउट एस्पायर बैचेस, आउटसाइड बैचेस, ये काफी अच्छे बैचेस आ रहे हैं। आप सभी लोग इन बैचेस का फायदा भी उठा सकते हैं। देखिए अगर आप लोग 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री। अगर आप लोग 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री रहेगा। ये हमारे पास वॉरियर्स हैं, जिसमें हमारे पास काफी बेस्ट वॉरियर्स हैं। आप सभी लोग इन सभी के कोर्सेज को बाई करके आप लोग रैंकर्स बन सकते हैं। आइए हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं। देखिए एक मेगा ऑफर भी चल रहा है, अगर आप लोग 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री। अगर आप लोग 24 का लेते हैं, तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री। ये ऑफर 17 नवंबर तक है। अगर हम लोग आगे बात करें, तो प्यारे दोस्तों इस बात को समझिए आप कि हमारा जो ये कोर्स है, अगर इस कोर्स में या किसी भी वीडियो में कोई भी इनअप्रोप्रिएट अगर कोई कंटेंट पाया जाता है, तो आप लोग रिपोर्ट करके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस भी जीत सकते हैं। स्पेशल क्लास के कुछ फीचर्स हैं, बहुत ही शानदार फीचर्स हैं। आइए देख सकते हैं कि आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पोस्ट लर्नर रेज हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स एनी टाइम एनी वेयर है कि आप लोग वीडियो को भी एक्सेस पा सकते हैं। ये कुछ हमारे पास बेनिफिट्स हैं, आइए देख लेते हैं। अच्छा एक चीज समझो, एक चीज समझना है मेरे प्यारे दोस्तों, समझो ध्यान से। आज की क्लास में हम सभी लोग ना स्टैंडर्ड डेविएशन पे काफी फोर्स करने वाले, मतलब काफी फोकस करने वाले हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन की काफी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मेक श्योर कि आप सभी लोग जो है इस क्लास को बहुत ही शानदार बना सकें। सो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो सभी लोग रेडी हैं? बताइए फास्ट जल्दी से, ठीक है? तो कुछ मैं इलस्ट्रेशन में आप लोगों को कराने वाला हूं। इसमें हम सभी लोग स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या, देखो मैंने आप सभी लोगों को मीन डेविएशन कैलकुलेट करना सिखा दिया था, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये सारी चीजें हमने सिखा दिया था। बोलो मेरे साथ आए ना? अब हम लोग जो क्लियर जो सीखेंगे, वो हम लोग सीखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या सीखेंगे बताइए? स्टैंडर्ड डेविएशन सीखेंगे। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, वो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम लोग बात करें, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझिए, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बड़े ध्यान से देखना। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग बेसिकली वही 3 सीरीज में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक हमारे पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। देखो ध्यान से, स्टैंडर्ड डेविएशन की एक सीरीज होती है जिसका नाम है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा जो सीरीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है? तीसरी जो सीरीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरी जो सीरीज होती है उसका नाम है हमारे पास फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज होती है, ये हमारे पास 3 सीरीज होती है, इन तीनों सीरीज को हमें देखना है। अच्छा अगर हम लोग आगे बात करें इस इंडिविजुअल सीरीज को, इस इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास बेसिकली 3 मेथड होता है। एक होता है हमारे पास एक्चुअल मीन मेथड। देखो इस इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास एक एक्चुअल मीन मेथड, सॉरी एक्चुअल मीन मेथड
और दूसरा फिर होता है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, ठीक है, और एज यूजल तीसरा होता है हमारे पास क्या है, शॉर्टकट मेथड, ठीक है, शॉर्टकट मेथड। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूले अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एक्चुअल मीन मेथड में स्टैंडर्ड डेविएशन को डेनोट करने का जो साइन है वो ये है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू एक्चुअल मीन मेथड की बात करें तो यहाँ पे होगा अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस का एक्स बार का होल स्क्वायर, हाँ है ना। इस तरीके से डायरेक्ट मेथड की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू हमारे पास अंडर रूट की बात करें तो समेशन ऑफ डायरेक्ट डायरेक्ट अच्छा सॉरी 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 एक सेकेंड, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, यहाँ पे जो ये जो होगा ना ये एक सेकेंड, ये हमारे पास वो भी ये भी ये भी ये स्मॉल एक्स होगा, ये जो होगा ये हमारे पास स्मॉल एक्स होगा। और ये जो स्मॉल एक्स है मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये जो स्मॉल एक्स है वो एक्स माइनस का एक्स बार है, ठीक है ना। मैं करके भी दिखा दूंगा, एक क्वेश्चन, नो नीड टू वरीड अबाउट दैट। अगर डायरेक्ट मेथड की बात करें सो डायरेक्ट मेथड में समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस का एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। और शॉर्टकट मेथड में स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू हमारे पास अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन में एन अपॉन माइनस का समेशन ऑफ डी अपॉन में एन का होल स्क्वायर, बोलो हाँ एन। और ये जो डी होता है वो हमारे पास होता है एक्स माइनस का ए, ठीक है ना, एक्स माइनस का ए, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा, तो जिससे कि डायरेक्ट और शॉर्टकट और एक्चुअल मीन मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए देखिए, हम जो कराने वाले हैं आप सभी लोगों को, वो कराने वाले हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के न्यूमेरिकल। किसी के करना चाहोगे? चलो इंडिविजुअल सीरीज का मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। देखिए अगर मैं इंडिविजुअल सीरीज का एक क्वेश्चन कराऊं, देखो ध्यान से, सो इंडिविजुअल सीरीज का अगर मैं क्वेश्चन कराऊं तो एक्स हमारे पास है 2 4 6 और 2 4 6 और 3 और हमारे पास 2, ये हमारे पास है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 2 4 6 4 2 है, ठीक है। इस तरीके से एक सेकेंड रुक जाइए, हम इसको थोड़ा समझ लो। देखिए ये है हमारे पास, ठीक है। अगर हम लोग इसको बात करें तो ये देखिए ध्यान से, अब मैं अगर इसका डायरेक्ट मेथड से अगर मैं बोलूं कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन लिखा रखा कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, मैंने लिखा भाई कि आपको क्या करना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। सो प्यारे दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बहुत सिंपल है, चूंकि डायरेक्ट मेथड की अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्ट मेथड में हमारे पास जो होता है वो ये होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, ठीक है। तो जो एक्स होता है वो एक्स माइनस एक्स बार होता है, तो पहले एक्स बार अगर निकालना चाहिए इस वाले फॉर्मूले से, तो एक्स बार क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन। तो समेशन ऑफ एक्स कितना होता है बोलो, तो समेशन ऑफ एक्स कितना होता है बोलो, 3 2 5 6 11 4 15 2 17, हाँ है ना। अच्छा ये इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 5 रख देते हैं, ठीक है। 5 4 9 6 15 3 18 2 20, ठीक है। तो हमारे पास ये 20 आ जाएगा आंसर, 20 अपॉन में 5 मतलब 4 आंसर आएगा, बोलो हाँ है ना, पक्का। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो एक्स माइनस का एक्स बार जो होगा वो हमारे पास वो किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। इसका कॉलम बना लेते हैं, तो 5 माइनस का 4 एक, 4 में से 4 गए 0, 6 में से 4 गए कितना बोलो 2, 3 में से 4 गए -1 और 2 में से 4 गए -2। अब जो एक्स जो आया है उसका अगर स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर का हमें सम करना है, तो 1 और 0 4 और कितना, 1 और कितना बोलो 4, 4 4 8 और 1 कितना बोलो जल्दी से 9। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर आराम से कर सकते हैं 9 अपॉन में बोलो 5, और हम लोग जो भी आंसर आएगा वो हम लोग इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का ये हमारे पास आंसर होगा। किसी प्रकार की अगर कोई समस्या है आप सभी लोगों में तो आप सभी लोग मुझे बता सकते हैं, बोलिए जल्दी से हाँ या ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े हैं, बोलो जल्दी से, कमान जल्दी से बताइए फास्ट। देखिए अब अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग आगे बात करें, देखिए सेकेंड जो क्वेश्चन है, ठीक है, सेकेंड जो क्वेश्चन है हमारे पास जो ये है कि 2 4 6 8, ठीक है, या हमारे पास चलो अच्छा तो डेटा चला गया 2 4 6 2 4 6 और हमारे पास यहाँ पे 3 कर लेते हैं, 3 2 4 6 और ये हमारे पास यहाँ पे मान के चलिए 2 4 6 और 3 और 4 कर देते हैं। तो ये अगर हमारे पास है और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है डायरेक्ट मेथड से, तो उसका फॉर्मूला होता है कि समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस का एक्स बार का होल स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स का अगर स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर करिए भाई 4 और ये 16 और ये कितना 36 और ये कितना 9 और ये कितना बोलो 16। तो 16 9 25, 25 4 29, 29 6, 35 10, 45 3, 45 6 51, 51 30, 81, बोलो हाँ ना। तो
तो ये 80, अच्छा एक एक्स स्क्वायर आया, तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है हमारे पास 81, कितना आ रहा है बोलो, 81 अपॉन में कितना बोलो 5, माइनस का एक्स बार का स्क्वायर, तो 4 तो 6, 6 12, 3 15, 4 19 अपॉन में, अच्छा इसको एक काम करो 3 कर लो, ठीक है 3 कर लो, तो 20 अपॉन में क्या कर देंगे बोलो, इसको फिर 12 करोगे ना, फिर ये टोटल गड़बड़ हो जाएगा 12, तो जैसे करेंगे तो 6 2 8, 6 14, 14 14 और 9 9 4 13, 23, 6 6 3 9, 23 से कितना होता है बोलो 29, 1 3 1 4 1 5 1 6, 6 और 2 कितना 8, 89 आएगा, तो 89, ठीक है 89 अपॉन में कितना कर देंगे 5, ठीक है 89 अपॉन 5, एटी नाइन अपॉन में एक्स एक्स बार कितना है बोलो, ये हमारे पास 20 अपॉन में 5, मतलब हमारे पास ये 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो एक्स बार हमारे पास बाहर होता है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब डी में एक्स माइनस का ही कर लेना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग इसका एज्यूम मीन जो मेथड है, अगर मैं बात करूँ इसका जो शॉर्टकट मेथड है, इसको शॉर्टकट मेथड को हम लोग एज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं, तो आप सभी लोग एज्यूम मीन मेथड कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ डी अपॉन में एन, डी स्क्वायर अपॉन में एन माइनस का समेशन ऑफ डी अपॉन में एन का होल स्क्वायर, ठीक है ये हमारे पास ये मेथड होता है, इस मेथड के जरिए भी आप सब लोग सीख सकते हैं, कोई दिक्कत और कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है आगे बढ़े। क्या देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो एक अगला जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है प्यारे दोस्तों, वो ये है, हम लोग अब डिस्क्रीट सीरीज को करने वाले हैं। हम मेरे प्यारे दोस्तों अब डिस्क्रीट सीरीज के जरिए, हम डिस्क्रीट सीरीज में अब हम लोग बेसिकली तीन मेथड होते हैं, एक होता है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, ठीक है डायरेक्ट मेथड में, और फिर हमारे पास होता है शॉर्टकट मेथड, जिसको दूसरा जो मेथड होता है उसको हम लोग शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, जिसको हम लोग जनरली एज्यूममेंट मेथड ही बोलते हैं। तीसरा मेरे प्यारे दोस्तों जो होता है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड होता है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है। अब इन तीन मेथड के जरिए जो है हम डिस्क्रीट सीरीज के हम लोग क्या करेंगे बोले, स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालेंगे। तो सभी लोग रेडी हो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी से मुझे बताइए, यस और नो, कम ऑन जल्दी से बताइए फास्ट। देखिए डायरेक्ट मेथड की बात करें, देखो डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई होती है, तो इस वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मैं निकालूं भी तो समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन में एन, एक सेकेंड, एक गलती हो रही है, एफ डी नहीं एफ एक्स स्क्वायर करो ना, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस का समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, ठीक है ना। और शॉर्टकट मेथड में हम क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन में एन माइनस का समेशन ऑफ एफ डी अपॉन में एन का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस तरीके से जो स्टेप डेविएशन मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड में स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, कि समेशन ऑफ एफ डी डैश, ठीक है एफ डी डैश अपन में एन का एफ डी डैश का स्क्वायर अपन में एन माइनस का समेशन ऑफ एफ डी डैश अपन में एन का होल स्क्वायर, अगर ये कर देंगे तो हमारे पास ये शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला आ गया। एक बार जल्दी से मुझे बताइए सारे फॉर्मूले तो क्लियर है आप सभी लोगों को कि नहीं, मुझे बताइए जल्दी से, चलिए जल्दी से बताइए मुझे ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को क्लियर है, एक बार जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी सभी लोग लाइव हो एक बार जल्दी से आप सभी लोग मुझे बताइए ये सारा फॉर्मूला आप सभी लोगों को क्लियर है, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों एक बार जल्दी से आप सभी लोग बताइए, जल्दी से फास्ट जाते हुए बताइए जल्दी से। चलिए अच्छा इसमें ना डिस्क्रीट सीरीज में एक और बात होती है, क्या डिस्क्रीट सीरीज में मेरे प्यारे दोस्तों एक और मेथड होता है, जिसको इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन में आपको एक्चुअल मीन मेथड जरूर मिलेगा, एक आपको देखो चार मेथड से आपको कैलकुलेट करना है, एक एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड।
तो हमारे पास इसमें जो मिलेगा आपको फॉर्मूला समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, ठीक है, क्या होगा बोलो, समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, इसका ये जो फॉर्मूला है, बोलो मेरे साथ है ना, होपफुली आप बात को समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो नहीं है, बोलो मेरे साथ है ना, किसी भी प्रकार की अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग मुझे जरूर बताएं। एक छोटी सी मिस्टेक ये हो गई फॉर्मूले के अंदर में, हालांकि सब कुछ ठीक है, बस ये समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस का ये अंडर रूट से बाहर होता है, जैसे ना उसमें डायरेक्ट मेथड में एक्स बार का होल स्क्वायर, तो वहां पे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस का एक्स बार का होल स्क्वायर था, यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस का एक्स बार का होल स्क्वायर, ये हमारा बेसिकली ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, ठीक है, शॉर्टकट मेथड का सही है, स्टैंडर्ड डेविएशन का सही है, एक्सट्रीम मीन मेथड का सही है। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे बता दीजिए। देखिए अब जो हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहले देखो मैं आप सभी लोगों को, अगर कोई फॉर्मूला में दिक्कत नहीं है, देखिए हमारे पास जो डायरेक्ट एक्चुअल मीन मेथड था, मैं आपको यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ जिससे कि आपको प्रेटी क्लियर रह जाए। एक्चुअल जो मीन मेथड है मेरे प्यारे दोस्तों, उसका जो फॉर्मूला हमने देखा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू हमारे पास समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, ठीक है, बोलो हाँ ना, ये होता है। और इसी तरीके से जो दूसरा होता है इसका, जो डायरेक्ट मेथड मेरे भाई, वो उसका फॉर्मूला होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस का ये एक्स बार का होल स्क्वायर, ये बाहर होगा, ठीक है ना, ये होता है। आइए हम डिस्क्रीट सीरीज का एक सवाल करते हैं जिसमें कि हम डायरेक्ट मेथड और एक्चुअल मीन मेथड को कैलकुलेट करेंगे। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, वो ये है कि हमारे पास जो साइज दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है 5, 10, 15 और 20 दिया, 5, 10, 15 और 20 दिया हुआ है, और फ्रिक्वेंसी दे रखी है हमारे पास जो वो जो दिया हुआ है क्या, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 और 3। सो इसका अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले काम करो, हमें कुछ नहीं करना है, एफ एक्स निकालना है क्योंकि मीन निकालना पड़ेगा, तो 5 दुना 10, 10 एक 10 और 15 चौके 60 और कितना 20 3 60, ठीक है ना, इस तरीके से अब हमें सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन का फॉर्म होता है समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समीशन ऑफ एफ, हाँ ना, तो समीशन ऑफ एफ एक्स कितना है बोलो, तो 60 10 10 20 20 60 80, 80 और 60 41, बोलो हाँ ना, 6 6 12 12 2 14, ठीक है, तो 140 अपॉन में कितना समीशन ऑफ एफ कितना है बोलो, 2 1 3 4 7 7 3 10, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बोलो, 10, ये हमारे पास 14। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 14 हमारे पास ये एक्स बार का आंसर आएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है बताइए जल्दी से, हाँ ना। अब फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, अगर एक्चुअल मीन मेथड की बात करें तो समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस का एक्स बार का होल स्क्वायर, तो एफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर निकालो भाई, ठीक है, तो एक्स का जो स्क्वायर होता है, अच्छा एक्स कैसे निकलता है सबसे पहले बताओ, एक्स कैसे निकलेगा इसका, एक्स जो निकलता है वो निकलता है एक्स माइनस का एक्स बार, तो 5 में से 14 तो माइनस का 9, और 10 में से 14 माइनस का 4, 15 में से 14 माइनस का 1, सॉरी पॉजिटिव का 1, 20 में से 14 0 का 6। अब इस अगर x निकल गया तो इसका x स्क्वायर निकालेंगे, तो ये 81 और ये कितना बोलो, ये 16 और ये कितना बोलो 1 और कितना 36। अब हम लोग एफ एक्स स्क्वायर करेंगे, तो जब एफ एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2 1 का 2 2 8 16 162, बोलो हाँ है ना, क्या करेंगे बोलो जल्दी से, एफ एक्स स्क्वायर करेंगे, ओके, ठीक है, एफ एक्स स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 162, क्योंकि हम ये कौन सा मेथड लगा रहे हैं हम लोग, अच्छा मैं अभी डायरेक्ट मेथड लगा रहा हूँ, सॉरी एक्चुअल मीन मेथड निकाल रहा हूँ, एक्चुअल मीन मेथड में समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन है, तो इस वजह से ये जो एक्स स्क्वायर है स्मॉल एक्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल एक्स से कैलकुलेट किया है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि तो अगर इस वाले केस में तो कैपिटल एक्स है, तो इस वाले कैपिटल एक्स में तो हम लोग इसी एक्स को ही स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब 5, 10, 15, 20 के ही हम लोग क्या कर देंगे बोलो, उसको स्क्वायर कर देंगे, सो 162 हो गया। इस तरीके से एफ को इस एफ 16 का 16 कर देंगे और 4 4 कर देंगे, 36 108 कर देंगे, ठीक है। अब इसका हम लोग समीशन कर देंगे और अपॉन में एन करके एक्स बार का होल स्क्वायर कर देंगे, और अगर हमें इसका एक्स स्क्वायर चाहिए तो इस एक्स स्क्वायर को भी हम लोग निकाल सकते हैं, देखो ये तो निकल जाएगा, अब ये निकालते हैं एक्स स्क्वायर की, इसके केस में क्या होगा कि हम बस 25 और ये कितना बोलो 100 और ये कितना बोलो 225 और ये कितना बोलो 2400, ठीक है। तो इस एक्स स्क्वायर को हम लोग इस एफ को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी को एक्स स्क्वायर से, तो इससे हमारे पास ये डायरेक्ट मेथड का हम डायरेक्ट मेथड आ जाएगा डिस्क्रीट सीरीज का, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बोलो मेरे साथ है ना। आइए एक मेथड, एक क्वेश्चन करते हैं शॉर्टकट मेथड का, आप सभी के बीच में एक शॉर्टकट मेथड का क्वेश्चन पेश है और वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं ध्यान से। इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक डेटा को ए मान लेंगे, मतलब एज्यूम मीन मान लेंगे, फिर हम लोग करेंगे, जैसे एक्स हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, क्या दिया हुआ है बोलो,
5, 10 और 15 और 20 दिया हुआ है, ठीक है। और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है प्यारे दोस्तों, वो ये दिया हुआ है क्या, 2, 1, 4, 3, कितना दिया हुआ है, 2, 1 और 1, कितना, 4 और 3, हाई ना, 2, 1, 4 और 3 दिया हुआ है। तो ये हमारे पास एक्स और एफ दिया हुआ है, तो शॉर्टकट मेथड जो है, हम लोग शॉर्टकट मेथड को करेंगे। सो एक बार जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार जल्दी से बताइए, ये बात समझ में आ रही है, एक बार जल्दी से शॉर्टकट मेथड के आंसर को कैलकुलेट करके दिखाइए कैसे निकालेंगे। मैं आपको यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, एक सेकेंड रुकिए, इसको निकालेंगे कैसे ये देखिए, देखिए इसमें निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, समेशन ऑफ, देखो क्या समेशन ऑफ, ये निकालेंगे हम लोग समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन में एन माइनस का समेशन ऑफ एफ डी, समेशन ऑफ एफ डी अपॉन में एन का होल स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। तो ये फॉर्मूले से आप लोग क्या कर सकते हैं, बोलो शॉर्टकट मेथड आप लोग निकाल सकते हैं, शॉर्टकट मेथड के न्यूमेरिकल्स को निकाल सकते हैं। एक बार जल्दी से फास्ट आप लोग मुझे बताइए, कम ऑन, जितने भी सभी लोग लाइव हो इसका आंसर जल्दी से निकाल के दिखाइए, जितने भी सभी लोग लाइव हो एक बार जल्दी से फास्ट जो है इसका आंसर आप सब लोग निकाल के दिखाइए, कम ऑन कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से फास्ट आप सब लोग इसका आंसर निकाल के दिखाइए, कम ऑन। मैं आप सब लोगों को टोटल 2 मिनट का मौका देता हूं, 2 मिनट में आप लोग निकाल के दिखाइए। सॉरी, चलिए जल्दी से फास्ट बताइए भाई, कम ऑन, जितने भी सभी लोग लाइव हैं एक बार जल्दी से, सभी लोग एक बार जल्दी से बताएंगे कि कितना आंसर आएगा, फास्ट बताओ जल्दी से, कम ऑन। चलिए जल्दी से बताइए फास्ट कितना आंसर आएगा, जितने भी सभी लोग लाइव हो एक बार, जितने भी सभी लोग लाइव हो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी से आप सभी लोग बताएंगे कि कितना आंसर आएगा, बताइए। शॉर्टकट मेथड से समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन में माइनस का समेशन ऑफ एफ डी अपॉन में का होल स्क्वायर। चलिए भाई जल्दी से बताइए, फास्ट बताइए, कम ऑन,
बताइए जल्दी से, कम ऑन, जितने भी सभी लोग लाइव हैं एक बार जल्दी से बताइए, फास्ट बताइए, कम ऑन, आंसर आप लोगों का आ गया, क्योंकि जैसे ही आंसर आएगा फिर हम लोग दूसरे एक सिनेरियो पे मूव ऑन करेंगे। चलिए जल्दी से बताइए फास्ट। चलिए देखें, स्टार्ट करें। चलिए भाई, अब मैं आपको निकालता हूँ यहाँ पे, तो हम सभी लोग अब देखो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से अगर मैं निकालूं आप सभी लोगों के लिए, देखो यहाँ पे जो डी है, ये जो डी है उसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस का ए, ठीक है। तो ए होता है हमारे पास एज्यूम मीन, तो हम किसी भी ए को ए को एज्यूम मीन मान लेते हैं। तो अगर मैं इसको डी माना तो एक्स माइनस का ए हो गया, ठीक है। तो एक्स माइनस का ए निकाल लेते हैं, तो 5 में से 10 माइनस का 5, और ये फिर 10 में से 10 0, और 15 में से 10 के कितना बोलो जल्दी से, पॉजिटिव का 5, और ये फिर कितना, 20 में से 10 पॉजिटिव का 10, ठीक है। अब इस एफ को हम लोग क्या, चल डी का स्क्वायर कर देते हैं, डी का स्क्वायर। तो जब डी का स्क्वायर करेंगे तो प्यारे दोस्तों ये हमारे पास 25 आ जाएगा, 0 और 25 और कितना बोलो 100। और इफ इस एफ को डी के इस एफ को डी के डी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दुना कितना बोलो 50, और 100 और कितना 2500 का कितना बोलो 100, और कितना बोलो 100 3 300, हाँ है ना। अब इस जो एफ डी स्क्वायर आया है इसका हम लोग समीशन करेंगे, 3 और 1 400, 400 450 कितना आएगा बोलो 450, हाँ है ना। तो ये जो 450 आएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 450, 450 अपॉन में एन कितना है बोलो, एन है हमारे पास 2 1 3 3 4 7 3 10, ठीक है। हमारे पास ये एन, एन मतलब ये समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू एन। अच्छा अब हम समेशन ऑफ एफ डी और निकाल दो भाई। तो जब एफ डी निकालेंगे तो एफ डी कितना आएगा, एफ इंटू में डी, तो -10 और 0, ठीक है, 5 6 20, और कितना बोलो 10 3 30, 30 बस 50, 50 में से 10 निकाल देंगे पॉजिटिव का 40 समीशन। तो समीशन में आएगा पॉजिटिव का 40 अपॉन में एन मतलब क्या 10 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा हमारे पास कि क्या ये हमारे पास कितना देगा, 10 6 40, 10 5 6, 10 6 40, 5 10 5 50, तो ये हमारे पास 45 ही आ जाएगा। 45 में से ये 4 आ जाएगा ना, 45 माइनस कितना बोलो 16 बोलो, हाँ है ना। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले हम लोग तो 45 15 से 9, और ये कितना 3 में से 3 में से कितना बोलो 2 29, तो अंडर रूट ऑफ कितना आएगा बोलो 29, ये हमारे पास राइट आंसर आएगा। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी है, जिसको हम लोग 5.38 बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बोलो, 5.38, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, 5.38 भी हम लोग बोल सकते हैं। ये शॉर्टकट मेथड था, शॉर्टकट मेथड से कैसे हम लोगों ने निकाला, मैं उम्मीद आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और कराता हूँ, जो कि आपका स्टेप डिवीजन मेथड से सवाल होगा। हम सभी लोग अभी फिर से एक स्टैंडर्ड डिवीजन का क्वेश्चन करेंगे, हम सभी लोग फिर से एक बार क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड डिवीजन का क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारा ये स्टेप डिवीजन मेथड का सवाल होगा। किसका होगा बोलो, स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, स्टैंडर्ड डेविएशन के से क्वेश्चन करेंगे, जो कि स्टेप डेविएशन मेथड का क्वेश्चन होगा। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टेप डेविएशन मेथड का जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ, देखिए समीशन ऑफ एफ डी स्क्वायर, एफ डी डैश का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस का समीशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन में एन का होल स्क्वायर, बोलो हाँ है ना, ठीक है ना, बोलो हाँ है ना। तो अब जो ये जो डी डैश है मेरे प्यारे दोस्तों, वो है हमारे पास एक्स माइनस का ए अपॉन में सी, बोलो है ना। तो ए ए आप सभी को पता है एज्यूम मीन है, इसमें कोई बताने की बात तो मुझे लगता नहीं है कि है। और सी जो होता है हमारे पास वो है कॉमन फैक्टर, क्या होता है बोलो, सी हमारे पास कॉमन फैक्टर है। तो ये हमारे पास सिनेरियो आप सभी के लिए है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए। अब एक इसी के बेस्ड पे आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आइए क्वेश्चन देखते हैं,
सेम वही एक्स का साइज हमारे पास दिया है 5, 10, 15 और 20, 5, 10, 15 और 20 दिया हुआ है। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गलती आ गया। ठीक है, हमारे पास जो है देखिए, हमारे पास जो है एक्स एक्स जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5, है ना, 10 और ये कितना बोलो 15 और कितना बोलो 20। तो इस तरीके से हमारे पास एक्स ये है और 5, 10, 15, 20 हो गया, है ना। फिर हमारे पास जो एफ जो दिया हुआ है वो एफ दिया हुआ कितना कि 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 और 3। अब इस एक्स और एफ के जरिए, इस एक्स और एफ के जरिए आप सभी लोगों को क्या निकालना है बोलो। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ कि कैलकुलेट कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। हम सभी लोगों को यहाँ से एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन बाय शॉर्टकट मेथड। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, कौन से मेथड से बताइए जल्दी से। हम सभी को शॉर्टकट, सॉरी 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 सॉरी, बाय स्टेप डेविएशन में, क्योंकि शॉर्टकट तो हमने कर लिया ना, तो हमने हमें कौन सा मेथड करना है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो बाय स्टेप डेविएशन मेथड, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है बाय स्टेप डेविएशन मेथड से। एक बार जल्दी से हम सभी लोग क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से, जल्दी से फास्ट कम ऑन निकालिए जल्दी से। जितने भी सभी लोग लाइव हो एक बार सभी लोग मुझे बताइए कि हम सभी लोग जो है इसको कैसे किस तरीके से निकाल सके, बताइए फास्ट। मैं आपको अगेन 2 मिनट का मौका देता हूँ, जल्दी से इसको स्टेप डिवीजन मेथड से कैलकुलेट करके दिखाइए फास्ट। चलिए फास्ट बताइए कितना आंसर आया, सभी लोग बताइए, मैं आप सभी के कमेंट का वेट कर रहा हूं। चलिए कम ऑन जल्दी से बताइए फास्ट, आप सभी का हो गया यस और नो। चलिए जल्दी से बताइए फास्ट बताइए, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी से बताइए कम ऑन। सभी लोग बताएंगे कि आप सभी का हुआ यस नो, जल्दी से बताइए फास्ट एक बार।
चलिए भाई फास्ट, इसको एक बार जल्दी से आप सभी लोगों को कैलकुलेट करना है और बताना है कि इसका कितना आंसर आ रहा है। हम लोग इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए हम सबसे पहले देखो स्टैंडर्ड डेविएशन के स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला लिख देते हैं। हम सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन मैं लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन में एन माइनस का समीशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन एफ डी अपॉन में एन का एफ डी डैश अपॉन में एन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो डी डैश था वो था हमारे पास एक्स माइनस का ए अपॉन में सी, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ए मान लेना इसको, ठीक है। चलो भाई काम करते हैं, डी निकाल लेते हैं। तो डी का फॉर्म होता है एक्स माइनस का ए, तो डी का फॉर्म होगा 5 में से 10 माइनस का 5, 10 में से 10 गए 0, 15 से 10 गए कितना पॉजिटिव है 5, 20 में से 10 गए कितना पॉजिटिव है 10। तो एफ डी, अच्छा डी डैश होगा, तो डी डैश निकालेंगे कैसे भैया, तो डी डैश निकालेंगे एक्स माइनस का ए अपॉन में सी। सी कितना है ब्रो, कॉमन 5 है, तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये कितना ब्रो, 2 आ जाएगा। अब इस एफ को डी डैश से मल्टीप्लाई कर दो, तो डी डैश से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 का 2 और 1 कितना 0, 4 1 का 4 और कितना 3 2 6। तो अब जब एफ डी डैश आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक काम करना है कि एफ डी डैश जब समीशन ऑफ एफ डी डैश, एक सेकंड, समीशन ऑफ एफ डी डैश का स्क्वायर अपॉन में एन, ठीक है। तो समीशन ऑफ एफ डी डैश का स्क्वायर जो होगा है ना, एक सेकंड रुकिए, डी डैश का स्क्वायर करेंगे या एफ डी डैश का स्क्वायर करेंगे हम लोग। अब एक बात मुझे बताइए थोड़ा सा, हमारे पास ये एफ डी डैश आ गया, ठीक है ना। अब मुझे जल्दी से बताइए कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले डी, अच्छा ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि हम इसमें जो है स्टेप डेविएशन मेथड में डी निकाल लिया हमने, एफ डी डैश निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, डी डैश का, अच्छा हाँ देखो इसमें यह है कि सबसे पहले डी डैश देखो सिंपल, ये क्योंकि चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो एफ इंटू में डी डैश का स्क्वायर मल्टीप्लाई में जाना है ना, तो डी डैश का स्क्वायर को कर दो मल्टीप्लाई, है ना। तो डी डैश के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, है ना, और ये 1 और 1 कितना बोलो, हमारे पास ये 4 आ जाएगा। और डी डैश को हम लोग एवरी डैश का स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 4 और फिर 1 0 4 1 का 4 और 4 3 12, 12 4 16 और 4 कितना बोलो 20। तो ये हमारे पास समीशन जो आएगा आ जाएगा कितना जाएगा बोलो, 20 आ जाएगा। एफ डी डैश जो आएगा वो कितना आएगा बोलो, 20 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो स्टेप डिवीजन मेथड में हमारे पास जो स्टैंडर्ड डिवीजन आएगा वो कितना आएगा बोलो, अब मैं यहाँ पे निकालता हूँ, समीशन ऑफ एफ डी डैश कितना है बोलो, समीशन ऑफ एफ डी डैश का स्क्वायर आ रहा है हमारे पास 20 अपॉन में एन कितना है बोलो, एन हमारे पास है 4, ठीक है, माइनस का समीशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन में एन, तो समीशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन में एन, तो एफ डी डैश अपॉन में एन करेंगे तो 6 4 10 10 2 12, ठीक है ना। तो हमारे पास एफ डी डैश अपॉन में एन, तो हमारे पास जो होगा, अच्छा ठीक है, 12 अपॉन में एन कितना बोलो, 4 का होल स्क्वायर, तो 4 3 12, तो अगर हम लोग बात करें तो 4 5 20, तो 5 में से अंडर रूट ऑफ 5 माइनस का 3 का स्क्वायर कितना बोलो, 9, तो कितना रहे यार, 4 5 20 20 आ रहा है। देखो एफ डी डैश का सम कितना रहा है, एफ डी डैश का सम 4 4 8 12 8 20, ठीक है, और कितना आएगा, 4 3 12 3 3 का 9, तो 5 ही, तो अंडर रूट को मैच में नेगेटिव साइन आ रहा है। एक बार देख लेते हैं भाई क्या नेगेटिव साइन आ रहा है क्या हमारा, और ये तो जो है ना थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं हम लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, और एन में हमारे पास सबसे पहली बात देखो, ये कुछ मिस्टेक हमारे पास जो नजर आ रही है वो ये है। सबसे पहली बात तो हमारे पास जो एन है, एन मतलब समीशन ऑफ एफ 2 1 3 4 7 3 10 है, ठीक है, तो एन हमारे पास सबसे पहली बात 10 है, ठीक है, और समीशन ऑफ एफ डी डैश का जो स्क्वायर आएगा वो समीशन ऑफ एफ डी डैश का जो स्क्वायर आएगा 4 2 6 बराबर 18, तो एफ डी डैश का जो स्क्वायर आएगा 4 और 2 6,
तो फ्रीक्वेंसी एफ को डी डैश से मल्टीप्लाई करना, तो डी डैश कितना है, डी डैश एक है ना, तो डी डैश एक कैसे आया, डी डैश का स्क्वायर करना था, डी डैश एक का स्क्वायर एक ही आएगा, और एक कैसे आया, डी डैश भैया एक्स माइनस का ही अपन में सी, तो 5 में से 5 गई, ठीक है, और सही। तो भाई इनका जो है डी डैश आ रहा है कितना बोलो, 1014, ठीक है, और एफ डी डैश आएगा हमारे पास 20412, 20 एफ इंटू में डी डैश ना, एफ इंटू में डी डैश, तो एफ इंटू में डी डैश, तो 2 1 का 2 आएगा ना यहाँ पे, ये तो मिस्टेक है ना, देखो तो यही सही है, 2 1 2, क्योंकि एफ इंटू में डी डैश करेंगे ना, या डी डैश का स्क्वायर ही करेंगे, तो चलो 2 4 2 6 12 6 18, जब ये 18 आएगा तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू ये 18 अपॉन में एन कितना है 10 माइनस का एफ डी डैश कितना है 4 2 6 6 6 12, 12 ना, बोलो मेरे साथ है ना। सो एफ डी डैश कितना आ रहा है हमारे पास, एफ डी डैश आ रहा है 8, तो अच्छा नेगेटिव का है क्या ये एफ डी डैश, एफ डी डैश जो होगा वो हमारे पास नेगेटिव का आ रहा है, तो ये एफ डी डैश मतलब -5, ठीक है, डी डैश आ रहा है एफ इंटू में डी, तो मतलब एफ इंटू में डी डैश, तो जो डी डैश आएगा हमारे पास वो डी डैश कैसे है हमारे पास, ये एक्स माइनस का ये वन में सी, तो -1, तो 2 का 2 -2, तो 6 4 10, 10 में से 2 निकाल दो तो 8 आएगा, तो 0 का 8 आएगा, ठीक है ना, इसका ठीक है सही आ रहा है, 0 का 8 अपन में कितना बोलो 10, तो इसका स्क्वायर कर देना है हमें, तो 2 चौके 8 2 5 10, ठीक है, तो 0.8 का स्क्वायर कह सकते हैं हम लोग, तो 1.8, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1.8 माइनस का 0.8 का स्क्वायर, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा स्टेप डेविएशन मेथड से। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो नहीं है, मुझे बताइए। अभी हमने क्या किया है कि हमने एक डेटा लिया, उस डेटा को हमने अभी डिस्क्रीट सीरीज को अभी हमने क्या किया, देखिए ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अभी हमने डिस्क्रीट सीरीज के न्यूमेरिकल को हमने भी सॉल्व किया, ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में हमने 3 4 मेथड से सॉल्व किए क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि हमने डिस्क्रीट सीरीज से अभी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, तो जो डिस्क्रीट सीरीज से जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला वो फुली समझ में आ गया। कैसे निकाला हमने, कि सबसे पहले हमने एक्चुअल मीन मेथड निकाला, क्योंकि तो हमारे पास एक्चुअल मीन मेथड है, फिर हमारे पास जो है वो हमारे पास है डायरेक्ट मेथड, फिर हमारे पास है शॉर्टकट मेथड, ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड के बाद हमारे पास जो है वो दूसरा शॉर्टकट मेथड, तीसरा हमारे पास है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्टेप डेविएशन मेथड, ये 3 मेथड से हमने निकाला है। देखिए एक्चुअल मीन मेथड में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन, ठीक है, और डायरेक्ट मेथड में स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस का क्या बोलेंगे, बोला एक्स बार का होल स्क्वायर, तो शॉर्टकट मेथड में समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन में एन, ठीक है ना, एफ डी स्क्वायर अपॉन में एन माइनस का समेशन ऑफ एफ डी अपॉन में एन का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरीके से स्टेप डिवीजन में हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर एफ डी डैश का स्क्वायर अपॉन में एन माइनस का समेशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन में एन का होल स्क्वायर, ये हमारे पास जो है ये सारे फॉर्मूले आप सभी लोगों को डिस्क्रीट सीरीज में इन सभी के बिहार पर मैंने फॉर्मूले करा दिए। अब जल्दी से मुझे बताइए इसमें से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बताइए फास्ट। चलिए जल्दी से बताइए फास्ट।
चलिए कम ऑन मेरे प्यारे मित्रों, एक बार जल्दी से जितने भी सभी लोग लाइव है एक बार जरूर बताएं। चलिए कमान हो गया सभी लोगों का, फास्ट बताइए। एक बार जितने भी सभी लोग लाइव हो एक बार जल्दी से फास्ट बताइए। कमान भाई, चलिए हो गया फास्ट। कम ऑन जल्दी से बताइए, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी से बताइए। किसी भी प्रकार की कोई डाउट, कोई भी क्वेरी, जल्दी से बताइए फास्ट। चलिए एक बार जल्दी से बताइए, आप सभी लोगों का हो गया ही। कम ऑन जल्दी से बताइए, एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं। अब आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम सब लोग जो आगे करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूस सीरीज से हम लोग कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, आइए हम लोग वो सीखेंगे। कैसे हम सभी लोग अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे अपने कॉन्टिन्यूस सीरीज से, हम सभी लोग अभी इस चीज पे काफी ज्यादा गौर करेंगे। इसका फॉर्मूला देखो, इसमें कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी हम लोग को देखो जो निकालना है वो हम लोग तीन मेथड से निकालेंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूस सीरीज से भी हम लोग बेसिकली तीन मेथड से निकालेंगे। वो हमारे पास है, सबसे पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल मीन मेथड। क्या नाम है बोलो? पहला हमारे पास वही एक्चुअल मीन मेथड, फिर हमारे पास दूसरा जो होता है हमारे पास उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलेंगे बोलो? डायरेक्ट मेथड। फिर तीसरा जो होता है हमारे पास सी, अच्छा एक्चुअल मीन मेथड, फिर डायरेक्ट मेथड, फिर हमारे पास आता है तीसरा जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड।
ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो होता है चौथा, जो डी ऑप्शन होता है, उसको हम बोलते हैं स्टेप डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं? स्टेप डिवीजन मेथड। जरा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी है तो मुझे जरूर बताएं। देखो ध्यान से एक एक करके हम लोग चीजों को सीखेंगे समझेंगे, तब तो हम लोगों को आगे बढ़ना है। देखिए एक्चुअल मीन मेथड में अगर हमें निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स, क्या बोलेंगे बोलो, समेशन ऑफ एक्स एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में, क्या बोलेंगे बोलो, अपॉन में एन, ठीक है। और डायरेक्ट मेथड का फॉर्म होगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस का एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। और शॉर्टकट मेथड में स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन में एन माइनस का समेशन ऑफ एफ डी अपॉन में एन का होल स्क्वायर, ठीक है। और स्टेप डिवीजन मेथड में स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ समेशन ऑफ एफडी डैश अपॉन में एन का स्क्वायर, सब एफडी डैश अपॉन में एन स्क्वायर, एक सेकंड रुकिए, ठीक है, समेशन ऑफ एफडी डैश अपॉन एफडी स्क्वायर, एफडी डैश समेशन ऑफ एफडी डैश स्क्वायर अपॉन में एन माइनस का समेशन ऑफ एफडी अपॉन में एन का होल स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। ये हमारे पास जनरली चार फॉर्मूले हैं, इन चारों फॉर्मूले को हमें बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक बार जल्दी से मुझे बताइए कि कोई दिक्कत तो नहीं ना, बोलो मेरे साथ है ना। देखिए एक बात समझो, यहाँ पे जो ये एक्स है स्मॉल एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं एम माइनस का एक्स बार, ठीक है। और यहाँ पे जो कैपिटल एक्स है वो तो चलो ठीक है, यहाँ पे जो एक्स बार निकालेंगे वो निकालेंगे समीशन ऑफ एफ एम अपॉन में समीशन ऑफ एफ, ठीक है। और ये जो एम है सर, ये जो m है, इस m को हम सभी लोग बोलते हैं, इस देखो ये जो m है, इस m को हम लोग बोलते हैं मिड वैल्यू, क्या बोलते हैं बोलो, इस ये जो m है उस m को हम लोग बोलते हैं क्या है बोलो, ये मिड वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो d है, d को हम लोग बोलते हैं बेसिकली m माइनस का a, ठीक है ना। और d डैश को बोलते हैं m माइनस का a अपॉन में c, बोलो मेरे साथ है ना। इस d डैश को हम लोग बोलते हैं m माइनस का a अपॉन में c, बोलो हाँ है ना। जरा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, एक बार जरूर मुझे बताइए। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। बोलो जल्दी से फास्ट, कोई दिक्कत है कमन जल्दी से बताइए फास्ट। चलिए भाई जल्दी से बताइए, आप सभी को ये बात समझ में आ गई सभी लोगों को। चलिए साहब आगे बढ़े, तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन जो है इन तीनों मेथड के क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देते हैं, और इन तीनों मेथड के क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। एक बार स्टैंडर्ड डेविएशन की हम लोग जो है अब सबसे एक बार हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन को करेंगे डायरेक्ट एज्यूम मीन, और हमारे पास शॉर्टकट जो भी दोनों को कॉमन ही बोलते हैं,
और स्टेप डोवेशन मेथड से। सभी लोग तैयार हैं तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग कॉन्टिन्यूस सीरीज को पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है, इस कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारे पास जो है सबसे पहला जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल मीन मेथड। क्या बोलते हैं बोलो? एक्चुअल मीन मेथड। तो हमारे पास ये जो एक्चुअल मीन मेथड है, इस एक्चुअल मीन मेथड को, सॉरी ठीक है, एक्चुअल मीन मेथड को हमें निकालना है। तो एक्चुअल मीन मेथड को हम देखो किस तरीके से निकालेंगे, बहुत ध्यान से समझना। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्चुअल मीन मेथड इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन एन बस। ठीक है, तो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन के जरिए हम लोग क्या करेंगे बोलो, कॉन्टिन्यूस सीरीज का हम लोग बेसिकली कॉन्टिन्यूस सीरीज के हम लोग जो है एक्चुअल मीन मेथड निकालेंगे। आइए देखते हैं, साइज हमारे पास जो दिया हुआ है, ठीक है सर, जो साइज दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 और 30 से 40 और ये फिर 40 से 50 ये दिया हुआ है। पक्का है ना? इस तरीके 4 3 2, 4 3 6 5 2 हमारे पास जो ये फ्रिक्वेंसी दे रखी है 4 3, 4 3 6 5 2, ठीक है 4 3 6 और 5 और कितना बोलो 2। अब ये साइज मतलब हमारे पास ये एक्स दिया हुआ है। ध्यान से चीज़ों को समझना तब आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। देखिए ये जो एक्स है उसको हम लोग बोलते हैं एम, एम माइनस का ए, और एम स्टैंड फॉर मिड वैल्यू, एम स्टैंड फॉर मिड वैल्यू, और इसका फॉर्म होता है लोअर लिमिट प्लस का अपर लिमिट अपॉन में 2। तो हमारे पास अगर हम लोग बात करें इस एम को कैलकुलेट करें तो एम का जो फॉर्मूला होगा 0 प्लस 10 अपन में 2 मतलब कितना हो जाएगा बोलो, ये 5 हो जाएगा, और फिर 20 10 30 अपन में 2 कितना बोलो 15, और 50 अपन में 2 कितना बोलो 25, और 70 अपन में 2 कितना बोलो 35, और हमारे पास जो 90 अपन में 2 कितना बोलो 45। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इस एफ एम को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एम को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एम का मल्टीप्लाई हमारे पास कितना है 5 चौके 20, ये 45 आ जाएगा, और कितना बोलो 6 पंचे 30, 6 दिनों 12, 3 15। ठीक है, इस तरीके से 5 पंचे 25, 5 तीन 15, 2 17 ना, ठीक है 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 16 और 2 18, सॉरी सॉरी 2 पंचे 10, 2 चौके 8 और 1 9, 45 90 यार। ठीक है 5 और 5 10, ठीक है 2 4 2 6, 6 5 11, 11 7 18, 18 9, 9 8 17, 27, 27 और 1 कितना बोलो 28। ठीक है 1 और 1 2, 2 और 2 कितना बोलो 4, 480। तो हमारे पास जो मीन आएगा, जो एक्स बार आएगा हमारे पास 480 अपॉन में क्या आएगा बोलो, समेशन ऑफ एफ 4 3 7 6 13 5 18 2 20, तो समेशन ऑफ एफ आएगा कितना बोलो 20। तो इस तरीके से 20 आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा बोलो 24। ठीक है, अब हमारे पास जो एक्स निकालेंगे वो निकालेंगे हमारे पास एम माइनस का ए, सॉरी एम माइनस का एक्स बार। ठीक है, तो एम माइनस का एक्स बार, तो 5 में से हम लोग क्या निकालेंगे 14 माइनस का कितना बोलो, 5 में से अगर हम लोग 14 कितना है मीन कितना है भाई 24, तो हमारे पास जो आया वो आया 19, और ये कितना देखो माइनस 19, फिर हमारे पास 15 और 9 24 -9, फिर 1 11 21 आएगा, 1 11 और फिर कितना है बोलो 21 आएगा, फिर हम लोग इस x का स्क्वायर करेंगे, तो 19 का स्क्वायर आप सभी को पता है 361 और 81 और ये 1 और 121 और कितना बोलो 21 का स्क्वायर बोलो 441 है ना। अब कुछ नहीं करना है हमें, इस f को मल्टीप्लाई करा देना है इस x स्क्वायर से, जब इस f इसको मल्टीप्लाई कराएंगे f को x स्क्वायर से, तो f हमारे पास 4 × 361 को करेंगे, तो 1444 अपॉन, अच्छा 243, फिर 243 और ये कितना आएगा बोलो हमारे पास 605 और ये कितना आएगा बोलो 882। अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में रख देना है, आंसर आ जाना है आप लोगों का। कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है मुझे बताइए, एक बार जल्दी से बताइए कितना आंसर आएगा, फास्ट बताओ जल्दी से।
चलिए अभी आगे बढ़ें, होपफुली एक आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। अगर हम सभी लोग अगर आगे डिस्कस करें तो हमारे पास जो दूसरा है, दूसरे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। हम दूसरा जो मेथड है उसको हम लोग, अच्छा एक्चुअल मीन मेथड हो गया, हम लोग अब डायरेक्ट मेथड को डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट मेथड में हम सभी लोग कुछ चीज़ों को सीखेंगे। देखिए डायरेक्ट मेथड में हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस का समीशन ऑफ एफ एक्स सॉरी एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्ट मेथड में अगर हमारे पास जो क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है सी आई, इस डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सी आई जो दिया हुआ है, इस सी आई को देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, हमारे पास जो सी आई जो दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है 30 से 40, 40 से हमारे पास 50, ठीक है ये हमारे पास दिया हुआ है। और सी आई के बाद हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी जो दिया हुआ है देखो क्या 4, 3, 6, 5, 2, 4, 3, 6, 5 और 2, ठीक है ये दिया हुआ है हमारे पास। अब देखिए इसमें कैसे निकालते हैं डायरेक्ट मेथड में, वही सबसे पहले आप लोग मिड वैल्यू निकालिए। तो 10 अपॉन में 2 कितना बोलो 5, और ये कितना बोलो 30, ये 15 और 10 35, 10 45, ठीक है। और ये फिर हम लोग एफ एम निकालेंगे, तो एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एम अपॉन में समीशन ऑफ एफ, तो एफ एम कितना आएगा अगर हम लोग इस एफ एम की बात करें तो एफ एम हमारे पास जो आएगा 20, और ये कितना आएगा 45। इस तरीके से 56, 30, 6, 12, 3, 15, 150, और कितना 4, 5, 25, 15, 2, 17 और कितना 2, 15, 90 आ जाएगा एफ एम। तो ये हमारे पास नहीं, समेशन ऑफ एफ एम कितना आएगा भाई, ये हमारे पास 480 अपॉन में 20, 480 अपॉन में 20, 2, 24, 48, तो ये 24 आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का, अच्छा निकाल दो, तो एक्स स्क्वायर निकालोगे तो एम का स्क्वायर मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है एफ एम स्क्वायर भी बोल सकते हो आप लोग। तो ये 25, 225, 625 और ये कितना जगह बोलो 35 का स्क्वायर कितना आएगा 1225 और 2025, ठीक है ना। चलिए इस तरीके से अगर हम लोग निकाले, अब हम लोग क्या करेंगे बोलो, इस एफ एम का स्क्वायर निकालेंगे, मतलब ये जो, अच्छा ये एक काम करो यहाँ पे एफ एम स्क्वायर कर लो, अच्छा फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एम स्क्वायर कर लिया, अब इसे आपको एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, इसको सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 25 चौका 100 और 225 इंटू में करेंगे तो 675 है ना, 675, फिर हमारे पास 3750, फिर हमारे पास जो आएगा 6125, ठीक है। फिर इस तरीके से आएगा कितना बोलो 4000, कितना आएगा बोलो जल्दी से 4050, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोलो हाँ है ना। इस तरीके से हम लोग अगर अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर हम लोग अगर वैल्यू फिल आउट करें सारा सम ऑफ करके, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत और कोई परेशानी है एक बार ज़रूर मुझे बताएं, जिससे कि मैं आप सभी लोगों को इस चीज़ को समझा सकूं। चलिए भाई एक बार जल्दी से इसका फाइनल आंसर निकालिए, जल्दी से कम फास्ट आप सभी लोगों को इसका जो है फाइनल आंसर जो है इसका फाइनल आंसर निकालना है।
चलिए जल्दी से बताइए, आप सभी का आंसर आया या सुनो, जल्दी से बताइए फास्ट। कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से मुझे बताइए फास्ट, एकदम से बताइए एक बार जल्दी से। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस डायरेक्ट मेथड को हमने कर लिया, अब हम लोग यहाँ से शॉर्टकट मेथड को करने वाले हैं। हम लोग कौन से मेथड को करेंगे, हम सभी लोग अभी यहाँ पे जो है सेकंड जो है हम लोग शॉर्टकट मेथड को करने वाले हैं। अच्छा शॉर्टकट मेथड इजी है भाई, उसमें बस किसी को एक ए मान लो। अब हम लोग शॉर्टकट कर लेना, अब हम लोग स्टेप डिवीजन मेथड करते हैं, ठीक है। स्टेप डिवीजन मेथड करते हैं कि कैसे, अगर हमें देखो स्टेप डिवीजन मेथड में आप सभी को करा रहा हूँ कि अगर हम लोगों को स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, जल्दी से देखते हैं अगर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें स्टेप डेविएशन मेथड से। एक सेकंड क्या हो गया इसमें, अब मुझे स्टेप डेविएशन मेथड देखिए जल्दी से फास्ट। हम लोग अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कैलकुलेट तो करना है, मगर हमको कैलकुलेट करना है किसका, बोलो, स्टेप डेविएशन मेथड का। किसका, स्टेप डिवीजन मेथड का। तो स्टेप डिवीजन मेथड का किस तरीके से स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसका फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ डी स्क्वायर एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन में एन माइनस का समेशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन में एन का होल स्क्वायर। हाँ है ना, बोलो जल्दी से फास्ट। देखिए देखिए जल्दी से फास्ट, तो अब इसको देखो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। जो डी डैश होता है उसका फॉर्म होता है एम माइनस का ए, है ना, एम माइनस का ए। डी डैश का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, एम माइनस का ए, और डी डैश का फॉर्मूला एम माइनस का ए अपॉन में सी होगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन के जरिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए ध्यान से, हमारे पास मार्क्स में एक्स दिया हुआ है, क्या 0 से 10, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, है ना, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। और हमारे पास देखो क्या, हाँ ये दिया हुआ है, और फिर हमारे पास जो एफ दिया हुआ है फ्रिक्वेंसी, वो दिया 4 3 6 5 2, 4 3 6 5 2, ठीक है ना। हमने डायरेक्ट कर लिया, हमने क्या करना है बोलो, स्टेप डिवीजन मेथड करना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको अब क्या करते हैं, स्टेप डिवीजन मेथड में हम एक काम करते हैं, सबसे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे। तो मिड वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये आ गया ना, देखो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 और 15 और कितना 25, 10 35, 10 कितना बोलो 45, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो FM अगर निकालेंगे तो FM कितना आएगा बोलो, 5 चौके 20, 15 3 45, ठीक है, और 150, 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, ठीक है, और 2 5 ये हमारे पास 90 आ जाएगा। तो हमारे पास ये 480 आ ही रहा था, तो हमारे पास इसका सम, तो हमारे पास जो है अगर बात करें तो x बार की वैल्यू आएगी क्या, समेशन ऑफ एफ एम अपॉन में समेशन ऑफ एफ, तो 480 अपॉन में कितना बोलो जल्दी से, हमारे पास समेशन ऑफ एफ कितना आएगा बोलो, समेशन आएगा 5 2 7 6 13 3 16 4 20, तो ये हमारे पास ये 20, तो हमारे पास 0 0 2 24 48, 24, तो हमारे पास जो 24 आ रहा है क्या रहा है बोलो जल्दी से, एक्स बार की वैल्यू कितनी आएगी बोलो जल्दी से, 24 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इस वाले फॉर्मूले में सी से मल्टीप्लाई होता है, कॉमन फैक्टर से थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर गए, मैं आपको करा दूंगा, है ना, अभी फॉर्मूले में करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चलो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये होगा हमारे पास समेशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन में एन, समेशन ऑफ एफ डी डैश इसका स्क्वायर अपॉन में एन माइनस का समेशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन में एन का होल स्क्वायर, ध्यान रखना ये होता है फॉर्मूला। देखिए अब हमारे पास जो है, अब हम इस एम में से किसी को ए मान लेते हैं, जब ए मान लेंगे तो डी का फॉर्म होता है एम माइनस का ए, तो एक होता है हमारे पास 5 में से 25 20, और 15 से 25 कितना बोलो 10, ये 0, ये कितना, ये हमारे पास 10, ये कितना बोलो 25 और 20 कितना बोलो 45, तो हमारे पास 20 10 30। अच्छा अब इस एफ को, अच्छा डी डैश का, अच्छा अब डी डैश निकालेंगे तो डी डैश का निकाल के स्क्वायर करेंगे, डी डैश एम एस या सी, मतलब दो
ये दो सी से डिवाइड करो पहले यार, दो और ये कितना बोलो, सी है कितना, 10 है ना, 2 1 0 और 1 और 1 2, ठीक है ना, माइनस 2 आ रहा है। तो अब इस डी डैश को स्क्वायर सम कर दो, तो भाई 2 2 4 कर दो, 1 और 0 1 और कितना 4, 4 1 5 5 4 9, 4 1 5 4 2 6 4 10 आ रहा है भाई, ठीक है ना सम। ठीक, अब देखो क्या करना है, अब इस एफ डी डैश को स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 चौके 16 और 3 1 का 3, 6 0 0 5 1 का 5 और 2 चौके 8 और 16 3 19, 19 5, 9 5 14 24, 24 8, 8 4 13 33, तो हमारे पास समीशन है कितना है बोलो, 33। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू हमारे पास अंडर रूट ऑफ 33/n, 4 3 7 6 13 5 18 2 20, माइनस का 33 आ रहा है, बोलो मेरे साथ है 32 आ रहा है क्या, 16 3 19, 19 5 24 24 8, 8 4 32, 32 आ रहा है ना, 33 नहीं, 32/20, ठीक है, 32, ये 32 है। अब एफ डी डैश जो हमारे पास, ये जो डी डैश है उसको हम एफ से मल्टीप्लाई करते हैं, आइए देखते हैं। तो एफ को डी डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा, तो 4 2 8 माइनस का 8 और 3 1 का 3 और 6 0 0 और फिर हमारे पास 5 1 का 5, ठीक है, और 2 2 4, ठीक है, तो 5 4 9 3 12, ठीक है, 12 में साइड गया कितना बोलो 4, तो हमारे पास ये अराउंड आएगा 4/, ठीक है, एफ डी डैश ना, ठीक है, एफ एंड में डी डी डैश किया ना मैं, तो हाँ ठीक है, 4/, ठीक है, कितना आ रहा है बोलो, 4/, ये 20 का होल स्क्वायर आ रहा है, 12, अच्छा 5 4 9 9 3 12, 12 में साइड गई 4 आ रहे हैं हमारे पास, तो एफ डी डैश 3 भी माइनस कर रहा है क्या, 3 भी माइनस कर रहा है क्या, वही डी डैश कैसे है माइनस का ए अपन में सी, तो 10/10 ई कहेगा भाई पॉजिटिव, और 15 से 25 निकालेंगे तो -10 आएगा और इसको -1 आएगा, -3, हाँ 5 4 9 और 8 3 11, हाँ तो -2 आ रहा है ना, -2 सही कह रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 32/40, 32/20 -2, ये 4 नहीं हुई, -2/20 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हालांकि अभी हमारे पे प्लस 2 10 में 20, 1/10 का स्क्वायर कर देंगे, अब आंसर आ जाएगा, ठीक है, अब कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हमने सारे जो क्वेश्चंस हैं अप्रोक्सीमेटली स्टैंडर्ड डेविएशन के, मीन डेविएशन के, क्वार्टाइल डेविएशन के, इंटर क्वार्टाइल रेंज के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, एक बार जितने भी सभी लोग लाइव हो एक बार जल्दी से मुझे बताइए, आप सभी को जितना भी क्वेश्चन और जितना भी कॉन्टेंट कराया है, आप सभी को ये कंटेंट और क्वेश्चन समझ में आ रहा है, एक बार जल्दी से मुझे यस और नो में जवाब देंगे, फास्ट बताइए।
से देखना है, ठीक है? ये देखिए ध्यान से, द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड, द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड, ठीक है, द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय टू टीम्स। हमारे पास दो टीम्स हैं जो दो लोगों के द्वारा हमारे पास जो स्कोर किया गया, जो कि एक फुटबॉल टीम में स्कोर किया गया है, ठीक है ना, बोलो हाँ है ना। और हमारे पास जो नंबर ऑफ गोल्स जो है, नंबर ऑफ जो गोल्स है वो ये है हमारे पास, अच्छा 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से नंबर ऑफ जो हमारे पास जो टीम ए है, ठीक है, टीम ए हमारे पास 15 10 7 5 3 2, 15 10 7 5 3 और 2, और फिर टीम बी जो है हमारे पास 20 10 5 4 2 1, ठीक है ना, 20 10 4 5, ठीक है, 20 10 5 4 2 1, 20 10 5 4 2 1, ठीक है ना, दस पांच चार, ठीक है, और ये दो और एक, ठीक है, ये टीम ए है, टीम बी है, ठीक है ना। अब आप स्कोर निकालना है, यहाँ पे बोलना है कि विच टीम इज मोर कंसिस्टेंट। क्वेश्चन है कि हमारे पास इनमें से कौन से टीम जो है ना, विच टीम इज कंसिस्टेंट, ऐसी कौन सी टीम है जो बिल्कुल ज्यादा कंसिस्टेंट है। जल्दी से मुझे बताइए फास्ट, विच टीम इज मोर कंसिस्टेंट, जल्दी से बताइए फास्ट, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से लग जाओ और बताओ क्या आंसर आएगा फास्ट। चलिए हमारे पास टीम ए टीम बी है, करें फिर जल्दी से बताइए फास्ट। चलिए जल्दी से बताइए, निकल गया आंसर आप सभी लोगों का। हमें सबसे पहले देखो, हमें अगर ये निकालना है कि टीम ए और टीम बी में कौन सबसे ज्यादा बेसिकली कंसिस्टेंट है, तो उसके लिए हमें कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन निकालने की जरूरत है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर मुझे ये निकालना है कि टीम ए और टीम बी में कौन सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है, तो मुझे उसके लिए हमें क्या निकालने की जरूरत है, बोलो जल्दी से, कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन निकालने की जरूरत है, बोलो हाँ है ना, कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन निकालने की हमें जरूरत है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो दिया हुआ है नंबर ऑफ गोल्स, अच्छा हमारे पास जो एक्स ए दिया हुआ है वो हमारे पास देखो, ये टीम ए का दिया हुआ है हमारे पास 15 10 7 5 3 2, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे बोलो, इसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे बोलो कि हम लोग मीन निकालेंगे ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम किसी को, अच्छा ठीक है, जैसे सपोज कि हमें इसमें से क्या करना है कि हमें मीन निकालना है हम सबसे पहले, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम मीन निकालने के लिए हम किसी को ए मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं टीम ए का कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो जैसे एक्स ए का अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो किसी ए का मैंने कैलकुलेट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल ये 15 है, ये 10 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 3 है और ये 2 है, ठीक है, ए इसको मान लिया। तो x a माइनस का x बार जो होगा क्या होगा बोलो, तो 7 में से 15 माइनस का 8, ये कितना बोलो, माइनस का 3 है ना,
सॉरी एक्स माइनस का ए होगा ना, तो एक्स पंद्रह सात का कितना 8, और 10 में 7 का कितना 3, 7 में 7 का 0, 5 में 7 का माइनस 2, 3 में से 7 का माइनस का 4, और 2 में से 7 माइनस का कितना बोलो 5। तो इस तरीके से एक्स माइनस का एक्स बार हो गया हमारे पास, और वो फिर ये हो गया एक्स, है ना, ये आ गया ना। और उसके बाद होगा क्या, फिर एक्स का स्क्वायर करना है। तो अगर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर तो 64 आ जाएगा हमारे पास। ये कितना 9, ये 0, ये 4, ये कितना 16, और ये कितना बोलो ये 25, है ना। तो हमारे पास क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का निकालेंगे, तो फॉर्मूला तो हमारे पास समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या करेंगे बोलो एन, ठीक है बोलो हाँ, है ना। तो अब देखिए ध्यान से, अब इसको एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए अगर मैं इसका समीशन करूं तो हमारे पास आ रहा है रूट अंडर 118, क्या आएगा बोलो, रूट अंडर 118। तो रूट अंडर 118 ये रूट में जाएगा, अपॉन में एन कितना है, एन हमारे पास है कितना बोलो 3, और 3 6, 6 6 आंसर तो आएगा हमारे पास 4.43। तो पहले का स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 4.43। इस तरीके से दूसरे वाले का निकालेंगे, उसका आ रहा है 92.57%, ठीक है। सो हमारे पास जो टीम ए लेस है, ठीक है ना, कौन कम है बताइए। अच्छा, इसको हम लोग अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा, और इसको हम लोग 92 तो है ही, है ना। तो देखिए जो भी कम होगा वही ज्यादा कंसिस्टेंट होगा, है ना। जो जो टीम ए है वो क्या है, लेस देन है, तो टीम इज लेस देन टीम बी है, टीम ए इज लेस देन टीम बी, सो टीम ए जो होगा, टीम ए इज मोर कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे बोलो, टीम ए जो है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है एज कम्पेयर टू टीम बी। सुन मैं क्या ना, बोले मेरे साथ हाय ना, जरा सभी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तुरंत बताइए, फास्ट बताइए, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं देने वाली बात है। तो मैं उम्मीद आशा करता हूँ आप सभी को ये जितना भी मैंने पढ़ाया है आप सभी को समझ समझ में आ गया होगा। हालांकि अगली क्लास में हम लोग कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन को और डिटेल में पढ़ लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय फॉर टुडे। आप सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट हुआ। आज की क्लास में हमने सीखा क्या है, सबसे बड़ा सवाल हमने सीखा है स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज में एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, फिर हमने डिस्क्रीट सीरीज को भी देखा, एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड, और स्टेप डेविएशन मेथड में भी देखा हमने एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड। इस तरीके से हमने आगे जो तीस लास्ट जो मेथड है हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज का, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का, उसमें भी हमने एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड डिस्कस किया। मैं उम्मीद और आशा करता हूँ आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जरा सा भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं अब आगे की क्लास में हो सकता है कि मैं आपको कोरिलेशन या इंडेक्स नंबर समझाऊं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, और उसी कॉन्सेप्ट को हम काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स में कर पाएंगे। आप सभी लोग क्लास में जरूर आना, मिलते हैं अगली क्लास में। तो तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और थैंक यू सो मच अगेन। और आप सभी लोगों से एक लास्ट रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप सभी लोग कोई भी कोर्स बाई करते हैं, अगर आप सभी लोग कोई भी अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन अगर बाई करते हैं, तो एक कोड जो मैं दे रहा हूँ SUCHIT, अगर आप इस कोड सोचे 10, SUCHIT 10, अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करेंगे सो यू जस्ट गेट अ 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। और इस इंस्टेंट डिस्काउंट से आपको कोर्स बहुत सस्ता हो जाएगा, 10% सस्ता हो जाएगा, और आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से मैक्सिमम बेनिफिट भी पा सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।